हेलो एंड वेलकम टू शुभम हदीशा। मैं हूँ शुभम और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं सेंट्रल टेट के बारे में। आपका जितना भी सारा क्वायरी था, एग्ज़ाम होगा या नहीं, डूज एंड डोंट्स बेसिकली है, और कुछ एफएक्यू आपको इस वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो उससे पहले बताना चाहूँगा, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक बनता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का आपका जो एग्ज़ाम है 5 जुलाई को ही होने वाला है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है, कोई नोटिस नहीं आया है जो एग्ज़ाम होगा या नहीं, लेकिन आ भी सकता है। अगर एग्ज़ाम 5 जुलाई को होता है तो आपका जून को तीसरे हफ्ते में आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में, CTET.NIC.IN में, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाके कर सकता है। सीटेट में आप लोग जानते होंगे दो शिफ्ट पेपर होता है, एक शिफ्ट में, ठीक है, दो पेपर होता है, आप लोग जानते होंगे। तो यही था, और कुछ एफएक्यू आपका जैसे होता है, ठीक है, कब होगा सीटेट का एडमिट कार्ड। CBSE जून के तीसरे सप्ताह में जारी कर सकता है सीटेट एडमिट कार्ड, ठीक है। कब होगी सीटेट परीक्षा, CTET 2020 परीक्षा 5 जुलाई को होगी, ठीक है। सीटेट परीक्षा में कोई बदलाव हो सकता है, तो बदलाव हो सकता है बिल्कुल COVID-19 के वजह से। और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कीजिएगा, उसके बाद क्लिक करें सीटेट जुलाई एडमिट कार्ड में, आपको ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। उसका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था, समझने में कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरा थोड़ा सा हिंदी वीक है, बेसिकली हम बंगाली मीडियम से थे और उसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम गए थे, और इंग्लिश तो होता है, तो आपका हिंदी जो होता है ना, बोल पाते हैं ठीक से, रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो सुधार कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 1 महीने के अंदर या उससे बाद कुछ दिनों में मेरा जो हिंदी है स्पीकिंग अच्छा हो सकता है, ठीक है, मतलब पढ़ने का बात बोल रहे हैं। तो फिर से बताना चाहूँगा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और किस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए वो भी बताइएगा, और कहाँ पर से हैं आप लोग बता सकते हैं और कैसे हैं बताइएगा। तो इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।